हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ सवालों के आपके जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपी डीलेट की वेबसाइट है, updeled.up.in, इसके बारे में आप जानते होंगे, कई बार इसके बारे में बात हो चुकी है। अब देखिए, काउंसलिंग शेड्यूल पर आप जाएंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो 23 से 24 के बीच जो काउंसलिंग होगी वो 1 से 7 लाख 19 हज़ार तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पिछड़ी जात, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति तथा विशेष आरक्षण श्रेणी के हैं, उनके लिए काउंसलिंग है, न कि जनरल कैंडिडेट के लिए। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख 4 लाख कुछ भी है, तो आप यदि कॉलेज भर रहे होंगे या चॉइस फिलिंग करने के लिए ओटीपी वगैरह जनरेट कर रहे होंगे, तो आपको इनवैलिड या इनकरेक्ट बता रहा होगा। तो आप जो है परेशान यदि इस बात पे लेके हो रहे हैं, तो यदि आप जनरल कैंडिडेट के हैं तो आपकी काउंसलिंग नहीं होनी है 23-24 को, आपकी काउंसलिंग 27 से 29 के बीच होनी होगी। पहला सवाल ये है मेरे हिसाब से। आप दूसरा सवाल, स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ और मेरी रैंक 7 लाख 19 हज़ार 442 के नीचे है, फिर भी मेरा ओटीपी नहीं जनरेट हो रहा है। दोस्तों, यदि आप फॉर्म भरे हैं, क्या आपने जो फॉर्म भरा है वहाँ पे अपनी कैटेगरी ओबीसी लिखी हुई है जब आपने बीटीसी का फॉर्म भरा हुआ था? यदि वहाँ पे ओबीसी लिखे हुए हैं तब भी नहीं हो रहा है, तब वेट करिए, कल तक हो सकता है हो जाए, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि कहीं आप गलती किए होंगे तभी मेरे हिसाब से आपको दिक्कत हो रही होगी। यदि आप सब कुछ सही है तो आपकी काउंसलिंग होके रहेगी, कल तो होके ही रहेगी, कल आप फिर ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल ये कि हमने जो है कुछ पैसे जमा कर दिए थे, 2,000 रुपये, फिर भी मैंने एडमिशन नहीं लिया, क्या अब इस जो कॉलेज मिलेगा उसमें वो पैसे जोड़ लिए जाएंगे? देखिए दोस्त, ऐसा नहीं होगा। आप जो आपको कॉलेज नया मिलेगा उसके लिए आपके नए तरीके से नया पैसा जमा करने की ज़रूरत पड़ेगी, नया पैसा आपको जमा करना पड़ेगा और वो जो है पुराने कॉलेज में नहीं जोड़ा जाएगा, आपको 2,000 रुपये फ्रेश जमा करने पड़ेंगे। तो ये रहे आपके सवाल कुछ। और यदि और कुछ है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है, जी हाँ, वेबसाइट नहीं खुल रही होगी तो आप वेट कीजिए कल तक, या रात को यदि आपको समय मिलता है तो रात को 10 बजे के बाद वेबसाइट ओपन होना शुरू होगी। मतलब शुरू क्या होगी, मतलब 10 बजे के बाद सर्वर कम होता है, सर्वर पर लोड कम होता है तो वेबसाइट अच्छे से ओपन होती है। एक और सवाल कि ओटीपी हम भेज दे रहे हैं लेकिन ओटीपी पहुँच ही नहीं रहा है। दोस्तों, ये दिक्कत हो रही है। यदि आप ओटीपी भेज दे रहे हैं तो ओटीपी के बाद आप एक और ओटीपी भेजिए, दो ओटीपी भेज के यदि तब भी नहीं पहुंच रहा है तो आप वेट करिए आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का। ऐसा नहीं कि आप रिसेंट रिसेंट मारते हुए चले जा रहे हैं, 10 बार ओटीपी भेज दिए, बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप 1 से आधे घंटा घंटे का वेट कीजिए, ये तब भी आपका ओटीपी नहीं आता है तब फिर से रिसेंट करिएगा। और मेरा पूरी उम्मीद है कि 1 से आधे घंटे के अंदर आपका ओटीपी आ जाएगा और आप जो काउंसलिंग करा सकेंगे। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है सवालों के जवाब मिले होंगे। यदि मिले हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं रात को 10 बजे आने वाला हूँ लाइव, और आपको सवालों को और जवाब दूंगा उस रात 10 बजे के लाइव सेशन में। तो मिलते हैं रात 10 बजे के साथ और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।